सिवनी जिले की कोतवाली पुलिस ने सिवनी शहर के सुनारी मोहल्ले में दबिश देकर डिजायर वाहन से अवैध रूप से 7 किलो चांदी और सोना जब्त किया है। पुलिस के अनुसार जब्त किया गया सोना चांदी की कीमत 20 लाख रुपए के लगभग है। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। सोनारी मोहल्ले में एक जानकारी प्राप्त हुई मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली को कि एक मारुति डिजायर गाड़ी है जिसमें सोने और चांदी का सामान गहने लेकर के कुछ लोग आए हुए हैं, संदिग्ध अवस्था में हैं। तो यहाँ के स्टाफ ने जाकर के वहाँ पे दबिश दी, गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ा और उस गाड़ी में से लगभग 7 किलो चांदी और लगभग आधा किलो सोना बरामद किया। चूँकि सामने वाले पक्ष के पास उसके कोई बिल प्रस्तुत नहीं किए गए, अतः संदिग्ध अवस्था में 102 में इसकी जब्ती की गई है। इसकी कीमत, चांदी की कीमत और उसका मिला के कुल लगभग 20 लाख रुपए का माल जो है मशरूका जब्त किया गया है। इसमें 3 आरोपी हैं, 3 संदिग्ध हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।